लेडीज माइंड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये थ्री कलर्स हैं क्रोचेट का एक स्क्वायर पैटर्न बनाऊंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ऑरेंज कलर से बीच का हिस्सा बनाएंगे, इसके लिए हम एक नॉट बनाए और सिक्स चेन बनाएंगे, तीन चार पाँच छः, और इसको हम लास्ट वाले में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम थ्री चेन बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर थ्री चेन बनाएंगे, दो डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक डबल क्रोचेट और ये दो डबल क्रोचेट, फिर थ्री चेन बनाएंगे, दो डबल क्रोचेट, थ्री चेन, दो डबल क्रोचेट, ये मेरे चार बनेंगे, एक दो तीन चार, फिर थ्री चेन लेके और यहाँ हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। ऐसे मेरे बीच वाले हिस्से तैयार होने चाहिए। यहाँ मैंने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब थ्री चेन लेंगे और इसमें हमको आठ डबल क्रोचेट बनाना है। तो मैंने ये तीन बनाया, चार बनाया और उसके बाद हम एक चेन ले लेंगे, फिर चार इसी में हम बनाएंगे, इसी होल में हमें चार बनाना है। तीन और ये चार, और फिर हम आके इसमें स्लिप स्टिच बना लेंगे। फिर हमें चार डबल क्रोचेट बनाना है, फिर एक चेन बनाना है, दो तीन और ये चार, एक चेन बनाएंगे, फिर चार हम इसी में डबल क्रोचेट बनाएंगे, तीन और ये चार, फिर हम इस बीच में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर हम चार डबल क्रोचेट बनाएंगे। ऐसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। धागे को यहीं हम कट कर देंगे। मैंने ब्लू कलर का धागा जोड़ लिया और यहाँ हम थ्री चेन बनाएंगे और फिर इसी में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे, ये डबल क्रोचेट बनाने के बाद दो चेन लेंगे और इसी में हम फिर दो डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक और ये दो, फिर हम फाइव चेन लेंगे, तीन चार पाँच, और यहाँ बीच में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे, फिर फाइव चेन लेंगे, तीन चार पाँच, और यहाँ पे फिर हम अपना डबल क्रोचेट बनाएंगे, फोर डबल क्रोचेट,
एक, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोचेट, फिर दो चेन लेंगे, फिर डबल क्रोचेट, फिर एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोचेट, फिर फाइव चेन लेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से बंद करेंगे, फिर फाइव चेन लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। एक चेन, फिर उसी फंदे में डबल क्रोचेट, दो चेन, फिर उसी फंदे में डबल क्रोचेट, एक चेन, इसी तरह हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई, अब आगे की लाइन बनाते हैं। अब दूसरी लाइन में हमें जो हमने ये बनाया है इसमें हमें फिर वही आठ डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो चार बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, तीन, चार, चार बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर चार इसी में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। तीन और ये चार, फिर एक चेन ले लेंगे और फिर इधर वाले हिस्से में भी हम आठ डबल क्रोचेट बनाएंगे। तीन, ये चार, चार बनाने के बाद एक चेन लेंगे और फिर चार डबल क्रोचेट इसी में बनाएंगे। टोटल आठ डबल क्रोचेट हमें बनाना है। तीन, एक चार, इसी तरह से ये कॉर्नर पूरी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे और फिर इसमें हमें, इन होल्स में हमें आठ डबल क्रोचेट बना लेना है। देखिए ये दूसरी लाइन कंप्लीट हुई, अब इसके ऊपर एक लाइन हमें और दो लाइन और बनाना है, तब ये डिज़ाइन मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम येलो कलर का ऊन लगाएंगे। अब हम पीला कलर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हम थ्री चेन लेंगे, फोर चेन लेंगे और इसी में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। इस तरह से यहाँ तैयार हो जाएगा। फिर थ्री चेन लेंगे और इन दोनों के बीच में ये जो हमने आठ का एक बंच बनाया था, दोनों के बीच में हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना। फिर थ्री चेन लेंगे, थ्री चेन लेंगे और इसके बीच में हमने आठ आठ जो अलग अलग किया था, ये आठ का अलग और आठ का अलग, और बीच में एक चेन बनाया था, यहाँ पे हमें चार डबल क्रोचेट बनाना है। तो वो इस तरह से बनाना है, एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक चेन लेंगे
फिर उसी में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे, फिर उसी में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर उसी में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से तैयार होगा। फिर थ्री चेन लेंगे, और यहाँ पे हमें डबल क्रोचेट बनाना है, एक डबल क्रोचेट, एक चेन, फिर एक डबल क्रोचेट। फिर थ्री चेन लेंगे हम, और ये चार इधर जो बनाए हैं उसके बीच में हम एक स्लिप स्टिच, फिर थ्री चेन, और ये दोनों आठ आठ के बीच में जो चेन लिए थे उसमें हम चार डबल क्रोचेट, एक चेन, एक डबल क्रोचेट, फिर दो चेन, डबल क्रोचेट, एक चेन, डबल क्रोचेट, फिर थ्री चेन लेंगे, तीन, और यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। फिर थ्री चेन लेंगे, और यहाँ पे हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। इसी तरह से हम चारों कॉर्नर पूरा कर लेंगे। ये देखिए पीले लाइन से पहली लाइन कंप्लीट हो गई, अब हम दूसरी लाइन और आखिरी लाइन बनाएंगे। अब पीले रंग से देखिए यहाँ पे मैंने थ्री चेन बनाया और इसमें आठ डबल क्रोचेट बनेंगे, दो, तीन, छः, सात, आठ, आठ डबल क्रोचेट बना लिए। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा देंगे और फिर इसमें हम आठ डबल क्रोचेट बनाएंगे। चार, पांच, छः, और ये आठ। फिर इधर वाले में हमने यहाँ दो बनाया है डबल हो, तो इधर वाले में बीच में ना लेके इधर में फिर हम आठ डबल क्रोचेट बनाएंगे। सात और ये आठ, और यहाँ पे
ये देखिए, और इसमें हमें ये सिंगल वाले में भी हमें 8 डबल क्रोचर बनाने हैं। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा देंगे, फिर 8 डबल क्रोचर इसमें भी हम बनाएंगे। ये डबल वाले में मेरे डबल 8 हट जाएंगे और ये सिंगल में सिंगल 8 हम केवल ले जाएंगे। फिर यहाँ पे हम डबल 8 बनाएंगे। इस तरह से पूरे कॉर्नर तैयार करेंगे।